ये में 38% की बढ़ोतरी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सरकार को लताड़ा, कहा कि पेंशन वेतन पाना सरकारी कर्मचारी का अधिकार है, उनको ब्याज के साथ देना है DAARB। नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रोसेमेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करें, उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, जिससे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके आगे आने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया, वेतन पेंशन पाना सरकारी कर्मचारी का अधिकार है। इस मामले को हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती है। कोर्ट ने सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर 6% की दर से ब्याज देने का भी आदेश दे दिया। बहुत ही बड़ी अपडेट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया और उसमें पेंशन और वेतन भुगतान में देरी होने पर सरकार को उचित ब्याज देना चाहिए। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर 6% की दर से ब्याज अदा करने का आदेश दे दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में 12% की ब्याज दर के तय की थी, लेकिन अब 6% की ब्याज दर से वेतन और पेंशन देंगे DAARE के साथ में। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आई वित्तीय संकट को देखते हुए मार्च-अप्रैल 2020 में सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कुछ समय के लिए टाल दी थी। सरकार ने इस बारे में एक आदेश भी निकाला था। हालांकि बाद में अप्रैल में सरकार ने 3 विभाग और चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस और सफाई कर्मियों का पूरा वेतन बहाल कर दिया और 26 अप्रैल को पेंशनर्स की पूरी पेंशन भी बहाल कर दी थी। लेकिन इसी बीच एक पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। इन्होंने उनमें कहा कि वेतन और पेंशन पाने का कर्मचारी को अधिकार बताकर रोके गए वेतन और पेंशन के भुगतान की मांग की। हर महीने अंतिम तारीख पर वेतन मिलना चाहिए, यह भी बात इसमें बताई गई है। तो हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका में विस्तृत आदेश पारित किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश फाइनेंशियल कोड के अनुच्छेद 72 के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की अंतिम तारीख पर वेतन मिलनी चाहिए। का पेंशन सिर्फ तभी रोकी जा सकती जब कर्मचारी विभागीय जांच या न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर कदाचार का दोषी हो और इस मामले में नहीं हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन पाने वाले व्यक्ति से संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार को और अनुच्छेद 300A में मिले संपत्ति के अधिकार में आता है। वेतन रोकने पर सरकार ने दी थी ये दलील और साथ ही साथ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सरकारी कर्मचारियों वेतन को पेंशन टाले जाने का फैसला कोरोना महामारी के कारण आए वित्तीय संकट के चलते लिया गया था और राज्य सरकार को देरी से भुगतान पर 6% ब्याज देने का भी आदेश दे दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने गत फरवरी 8 फरवरी को आंध्र प्रदेश सरकार की अपील का निपटारा करते हुए कहा कि टाले गए वेतन और पेंशन की अदायगी के आदेश में कोई गलती नहीं है और इसमें ब्याज के साथ में सभी भुगतान करना अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को देरी से हुए भुगतान का 6% की ब्याज देने का आदेश भी दे दिया है। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लिए। चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।